अब आप सभी लोग ने तो बेन 10 ओमनीवर्स में तो बहुत सारे बेन 10 को तो देखे ही होंगे। इन सभी में आपका एक तो क्वेश्चन हमेशा आया होगा कि आखिर इन सभी बेन में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा बेन है। तो आज के इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। मतलब आज की वीडियो टॉप 5 वीडियो जिसमें मैं बात करूंगा टॉप 5 बेन के ऊपर कि आखिर कौन बेन कितना पावरफुल है। तो जरा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5th में जो बेन था वो था नेगा बेन। अब नेगा बेन को तो हम सब ने देखा था कि वो नेगेटिव बेन था जो कि हमारे सामने वाले बैंड की तरफ से था और ये बैंड सभी बैंड से काफ़ी ज़्यादा अलग था और ये उन सबसे नेगेटिव और ये सही में बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला बैंड था और ये बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों सैड रहता था। इसका लुक कुछ ऐसा था कि यह हमेशा ब्लैक कलर का एक हुडी पहना रहता था जिसमें इसके थोड़े मोड़े बाल दिखते थे जो कि इसके लुक या बहुत ही मस्त लगता था। और नेगा बैंड की ओमनीट्रिक्स को बोलते हैं नेगा ट्रिक्स। अब ये बैंड भी यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैंड में से भी एक बैंड था। चलो बात करते हैं हमारे 4th नंबर के बैन की तरफ। तो 4th नंबर का जो बैन है वो है बैड बैन। अब बैड बैन को तो नंबर 4th में आना ही था क्योंकि यार ये उन सभी को लीड कर रहा था। अब आपको ही मालूम है कि यार लीडर किसको बनाते हैं, जो कि यार सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है, जो अपने टीम को बहुत अच्छे से लीड कर सके। खाली पावर से ही किसी को लीडर नहीं बनाते, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट हो, जो कि हर चीज मैनेज करे चले। और ये हमारे नेगेटिव साइड का लीडर था। और अगर हम लोग बैड बैन की बात करें तो ये यार हमारे पूरा प्राइम बैन का उल्टा था। जैसे हमारे प्राइम बैन में कितनी अच्छाई थी, इसका ही सेम ही अपोजिट था, इसमें उतनी ही बुराई थी, इसलिए इस बैन का नाम बैड बैन था। और भी यार इसके काफ़ी सारे बुराइयाँ थी। बस ये था कि ये अपने ओमनीट्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता जैसे अपना प्राइम बैन करता था। और इसका ओमनीट्रिक्स भी इससे रॉन्ग एलियन में नहीं ट्रांसफॉर्म करता था, इसे हमेशा अधिकतर करेक्ट एलियन में ही ट्रांसफॉर्म करता था इसका ओमनीट्रिक्स। तो चलिए बात करते हैं हमारे 3rd वाले बैन के ऊपर। तो 3rd वाला जो हमारा बैन है वो है अपना प्राइम बैन। अब प्राइम बैन को तो इस लिस्ट में आना ही था, चाहे इसके सामने कितना स्मार्ट बैन हो। और हमने ये तो देखा ही कि ये किसी बैन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेक्ट कर सकता है। और यही बात बैड बैन की, तो बैड बैन इसका सेम अपोजिट है। भले ही बैड बैन कितना ही बुरा हो पर इसे अपना प्राइम बैन बहुत ही आसानी से हरा सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो यार ये दोनों बैन एकदम एक ही जैसे दिखते हैं। और अगर दोनों को अगर आजू बाजू खड़े कर दो तो यार आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर अपना प्राइम बैन कौन है और अपना बैड बैन कौन है। तो चलिए बात करते हैं हमारे 2nd नंबर के बैन के ऊपर। 2nd नंबर का जो हमारा बैन है वो है मैड बैन। अब मैड बैन को तो इस लिस्ट में आना ही था क्योंकि यार ये एक साथ जब दो दो बैन को हैंडल कर रहा था तो समझ लो यार कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये अपने प्राइम बैन और बैन 23 को भी एक साथ हैंडल कर रहा था। और हैंडल की तो बात छोड़ दो, ये यार दोनों को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे रहा था। हमने ये भी नोटिस किया है कि मैड बैन के एलियन बाकी सभी एलियन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मैड बैन है इसके एलियन हमारे सभी बैन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ऐसे नहीं कि इसके एलियन भी पावरफुल होते हैं, और इसके एलियन के लुक्स भी यार सभी बैन से मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगते हैं। जो इसकी ओमनीट्रिक्स होती है उसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है, और उसके ओमनीट्रिक्स से पूरे स्पाइक्स निकलते होते हैं जो कि बहुत ही मस्त इसका लुक देते हैं इसके ओमनीट्रिक्स को। और मैड बैन की ड्रेस में भी काफ़ी सारे स्पाइक्स लगे होते हैं। और तो हमने इसके एलियन में भी देखा है कि इसके एलियन में भी काफ़ी सारे स्पाइक्स लगे हुए होते हैं जो कि इसके एलियन के भी लुक काफ़ी ज़्यादा मस्त कर देते हैं। और मस्त के साथ ये बैन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो नंबर 1 पे जो बैन है वो है बायो बैन। अब इन सभी बैन के बीच में हमें इस बैन को भी दिखाया गया था जो कि बैन 10 फ्यूचर बैन था। अब फ्यूचर बैन जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल बैन है, जिसके बाद बायो ओमनीट्रिक्स होती है जो कि दो ओमनीट्रिक्स का मिक्सचर है, जिससे बैन किसी भी एलियन के फ्यूजन फॉर्म में जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये बैन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होता है और इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर भी होती है। और इसकी ओमनीट्रिक्स भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है सभी बैन के कंपैरिजन में, इसकी ओमनीट्रिक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो गाइस मैंने आपको बता दिया टॉप 5 बैन 10 के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आपको आज की अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को कर देगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना जिससे गाइस आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। जल्दी जल्द वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट में मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेके आओ। तो जल्दी जाओ कमेंट से मुझे कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय।